हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गए हैं आपके पास नई वीडियो लेके। तो गुड मॉर्निंग, मैं उषा नितिन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ये हमने बना रखा है वनीला स्पॉन्ज 600 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से और 10 इंच की ट्रे में। कल ही मैंने ये ट्रे मंगाई है और 1 किलो में हमें ये स्पॉन्ज तो कह रहा हूँ गलती से, 1 किलो का हमें केक बनाना है। अब आप पूछोगे कितना स्पॉन्ज लगेगा, क्या लगेगा, देखो कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे। बस मैंने लिया स्पॉन्ज 600 ग्राम से बनाया और जिस हिसाब से मैं कटिंग कर रहा था, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा था कि ये एग्जैक्ट 1 किलो का बैठ जाएगा और हुआ भी ऐसा ही। ये एग्जैक्ट 1 किलो का नहीं बैठा, 100 ग्राम फालतू गया, क्योंकि डिज़ाइनर केक में आप थोड़ा अंदाज़ा आपका मिसमैच हो सकता है, कम को बढ़ा सकते हो, आप बढ़ गया तो उसको कम तो नहीं कर सकते। तो इसलिए ही हम पहले से बता के चलते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कस्टमर ने पूछा है, ये आपको कौन सा बोलते हैं, इसको मोनोग्राम केक बोलते हैं शायद, केक बनवाना है इतने केजी में बनवाना है, तो हम उनको पहले से ही 200 ग्राम का एक क्या कहते हैं मार्जिन लेके चलते हैं कि 1 किलो से ऊपर 200 ग्राम तक भी जा सकता है। अगर आप उससे ऊपर जाएगा तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि आप राउंड में तो आप फिक्स कर सकते हो ना कि डेली आपने बनाया। तो देखो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। आप बोलते हो कि हम पे मोल्ड नहीं है, स्पॉन्ज नहीं है, कैसा बनाएंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। देखो मेरे पे सिर्फ एक ट्रे है, इससे बड़ी ट्रे भी नहीं है मेरे पास। एक 10.5 इंच की है रखी हुई मेरे पास, जो OTG के साथ आई थी, ये कल मंगाई है। 4-5 फ्लेवर मांगे थे उन्होंने, साथ में फ्रूट भी मांगा था। इसमें मैंने ब्लैक करंट भी डाल दिया है, मैंगो भी डाल दिया, पाइनएप्पल भी, स्ट्रॉबेरी भी, ठीक है, और साथ में कॉकटेल फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और ऊपर से अब ये 5 नंबर भी। तो मैं ये कह रहा था अपनी कमजोरियों को बार बार आगे ना आने दे, जो आपके पास रिसोर्सेज है उससे ही काम चलाए, जब कुछ कमाए तो उसको फिर इन्वेस्ट करते जाए। अभी मेरे पे कौन सा था, देखो आपने 5 नंबर का मोल्ड मेरे पे है, मैंने देखा ट्रे बनाई, कटिंग किया, अब जहाँ से टूटा हुआ था वहाँ पे उसमें बीच में स्पॉन्ज लगा दिया और अब इसको क्रम कोट कर रहा हूँ। 14 इंच का बोर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और जो लास्ट टाइम आपने देखा था ना कि 1 नंबर का जो हमने केक बनाया था, सेम उन्हीं को ये केक गया था। और उनकी बेटी का आज 5th बर्थडे है और एक छोटी बेटी का 1st बर्थडे था, तब हमने दिया था। तो ये देखो कितना इजी रहता है काम करने का। अब बार बार एक क्वेश्चन बहुत कॉमन भी है और आता रहता है बीच बीच में कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। देखो यार, ये तो एक छोटी सी समस्या है, कोई बड़ी समस्या हो तो चलो हम आपको समझाएं, लेकिन इसको भी समझाते हैं। ये व्हिपिंग क्रीम में मैंने रेसबेरी पिंक कलर का कलर मिला लिया है और अब देखो मैं क्रम कोट करने के बाद अब इसको क्या कर रहा हूँ। तो जैसी भी आपको समस्या है, 1 पाउंड में कितने होते हैं, नॉर्मली तो आप गूगल करोगे तो सबसे बेस्ट आंसर मिलेगा, फिर भी 449 होता है या 450 ग्राम होता है 1 पाउंड में, ठीक है, हम 450 मान के चलते हैं। दुकान पे जो देते हैं वो 400 ग्राम ही देते हैं, तो वो 50 ग्राम वहाँ से कट कर लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन है, हल्का फुल्का है आपको, तो सबसे पहले आप सर्च कर लिया करें, नहीं समझ आ रहा फिर मेरे से पूछ लिया करें, क्योंकि मैं आपको आंसर दूंगा शायद 3-4 घंटे बाद, तब तक आप लटके रहोगे, ठीक है। आंसर तो मैं देता हूँ लेकिन बहुत टाइम लग जाता है, और ये तो छोटा सा आंसर है यार, पटाख से सर्च मारो, गूगल निकालो, मिल जाएगा आपको आंसर, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलिए 5 नंबर का हम केक बना रहे हैं। कोई भी केक आपको अगर इस तरीके का लेना हो, इसको क्या बोलते हैं मोनोग्राम केक, तो कस्टमर को पहले से ही सजेस्ट करके रखा करो कि 1 किलो में एग्जैक्ट वेट तो नहीं बता सकते, हाँ 100-200 ग्राम ऊपर नीचे होगा, आपको वेट करके दिखा देंगे। और आपको बिलीव है कि भाई कि कस्टमर ऐसा है कि भाई बाद में नहीं देगा पैसे, तो बोले ठीक है 1 किलो है, ज़्यादा उससे उनसे क्या कहते हैं मोल भाव करने की ज़रूरत नहीं है, फिर अपना रेट बताओ और फिर बनाओ, या तो आप अपना हाथ इतना सेट रखो। पर हमारे कस्टमर से डीलिंग कुछ अलग तरीके की है, आपकी अलग तरीके की है, तो उस हिसाब से फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। टाइम काफी लग गया था इसको क्या कहते हैं इसको फिनिश करने में, ठीक है, तो फिनिश करने में काफी टाइम लग जाता, क्योंकि बहुत जगह स्पेस नहीं होता। राउंड केक को हम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में बना लेते हैं, तो इसलिए पैसा कम भी रहता है। कई बार कस्टमर को ये भी रहता है या पूछते भी है, या माल तो उतना ही लगाया आपने और पैसा क्यों ज़्यादा ले रहे हो, वो मेहनत के बारे में कौन जानता है कि हमने कितने एफर्ट्स डाले केक को बनाने में, क्यों, क्योंकि
क्योंकि आप राउंड केक को आप डिस्काउंट भी दोगे तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता कि चल भाई 10 मिनट में आया बना दिया। लेकिन जब आप पूरी मेहनत लगाते हो, फिर 1-1 घंटा 2-2 घंटे उस केक में लगाते हो, उसके बाद फिर बोल दें कि यार सामान तो उतने सामान तो हम कम मना कर रहे हैं कि उतना नहीं लगा, हम भी कह रहे उतना ही लगा है, पर हमारी मेहनत ज़्यादा लगी है इसलिए पैसा लेंगे, नहीं तो आप सिंपल बनवा लो, सस्ता चाहिए तो आपको। ठीक है, 5 नंबर, ये केक बनने वाला है और स्पॉन्ज वगैरह के लिए ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है, वनीला स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं, चॉकलेट गार्निश कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो भी है, कौन सा कलर यूज़ करते हैं उसकी वीडियो भी है, विप क्रीम कैसे करते हैं, डार्क विप क्रीम कैसे करते हैं, और डिज़ाइनर केक दुनिया भर के रेसिपीज, ब्राउनीज, बटर स्कॉच सॉस, चॉकलेट सॉस, पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड, पटेटो वेजीज। ठीक है, अब इतनी सारी वीडियो कुछ तो देखा करो। अब बेबी बॉस थीम केक है, क्रिकेट थीम केक है, सब तरह के केक हैं। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। चलिए पहले मैं इसमें रेड कलर मिला रहा हूँ, अभी ये तो कॉमन चीज़ है, जेल कलर डालो, रेड कलर डालो और हो जाएगा काम। केक हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, देखो कितना सारा गैप है, क्योंकि हम जब इसे बॉक्स में रखेंगे तो इजीली ये आएगा, विजिबल भी रहेगा और टच भी नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का कि हम लोग 19,000 क्रॉस कर चुके हैं, हमारी फैमिली मेंबर 19,000 की हो चुकी है, बट अभी भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी अच्छे खासे आते हैं शुरू में, लेकिन बाद में नहीं आ रहे। आप लोगों का कोई फीडबैक है, कहीं मेरे से गलती हो रही है, क्योंकि मैं तो अपनी जी जान लगा रहा हूँ हर दिन 6-6 घंटे सिर्फ एक वीडियो पे मेहनत करके, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बिना सोए भी काम करता रहता हूँ। कल रात को भी मैं 1:30 बजे सोया जैसे, और सुबह 6 बजे उठ के योगा वगैरह किया, और उसके बाद अब ये आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करके अब आपके लिए डाल रहा हूँ। आज जाऊँगा फिर वीडियो बनाऊँगा, फिर शाम को रात को एडिट करूँगा, और फिर सुबह उठ के वॉइस ओवर वगैरह डाल के आपको तैयार करके दूंगा, ताकि आप लोग फटाफट फटाफट सीखते रहें, बेसिक डिज़ाइन सीखते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, जो मैं कर रहा हूँ वो आप सीखते रहो, उसके बाद कहीं और से मिले आप वहाँ से सीख लो। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो, सब अपने क्या कहते हैं भाग्य का खाते हैं, कोई किसी का छीन के नहीं खाता। ठीक है, सबको सीखना चाहिए, सबको सीखना का मौका भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने लगा दी है फॉन्डेंट के फ्लावर्स, और अभी फॉन्डेंट के फ्लावर्स जब भी लगाना आप, जब आपका केक पिकअप होने वाला हो, ये थोड़ा वाइट ग्लेज था, मैंने ग्रीन कलर मिला के रखा हुआ था, तो मैंने वही लगा दिया इस पे। तो मेरे को बताना कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि मैंने कई बार ये देखा है कि अगर मैं केक की थंबनेल की फ़ोटो लगाता हूँ, मतलब थंबनेल पे, ये शुगर शीट पे प्रिंट की हुई थी हमारी बारबी डॉल, और ये है वेफर की बटरफ्लाई, तो मैंने ये देखा है कि अगर मैं फ़ोटो लगाता हूँ तो व्यूज़ कम आते हैं, अब नहीं लगाता व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? मेरे को प्लीज़ कोई हेल्प करे कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी वीडियो आगे बढ़ सके। और ये रहा आपका 5 नंबर का केक, तो इस वीडियो को भी बहुत सारा सपोर्ट करना, प्यार देना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ करना है वायरल कर देना, इसी से हमारा कंटेंट भी वायरल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बना पाऊँगा जो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग देखने में भी कर रहे हैं, तो मिलजुल के साथ बढ़ेंगे तभी कुछ आगे भी हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और कुछ समझना है तो कमेंट ज़रूर कर देना, मैं रिप्लाई हमेशा करता रहा।